तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और इस पर बात करने के लिए तारिक अन्वर साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या फैक्टर आप मानते हैं हरियाणा में भी बंपर जीत की तरफ कांग्रेस नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को अपने दम पर बहुमत मिलता हुआ नजर देखिए दोनों जगह देखा जाए तो बीजेपी की सरकार थी और एंटी इनकम बहुत स्ट्रांग था एक्चुअली ये जो मिसरूल रहा बीजेपी हुकूमत का चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो हरियाणा हो दोनों जगह पर लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया है और लोग वहाँ बदलाव चाहते हैं तब्दीली चाहते हैं शांति चाहते हैं सद्भाव चाहते हैं और इसीलिए लोगों ने कांग्रेस को और कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दिया है हरियाणा में तो सर दस साल बीजेपी की सरकार हो गई थी मुख्यमंत्री भी बीच में बदला था बीजेपी लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा था और बीजेपी बड़े दावे कर रही थी कि शांति आई है घाटी में और अमन चैन आया है इसके बावजूद दिख रहा है कि जम्मू में तो फिर भी ठीक प्रदर्शन है बीजेपी का लेकिन घाटी में कोई खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है इसको आप कैसे देखें देखिए बात स्पष्ट है कि देश को भ्रमित किया तीन सौ सत्तर के बाद ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी की कि अब कश्मीर बिल्कुल शांत हो गया वहाँ से एक्सट्रीमिस्ट चले गए या ख़त्म कर दिए गए और लोगों के अंदर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो विश्वास पैदा हुआ है लेकिन हकीकत से ये कहीं दूर था और ये चुनाव इस बात का लोग लो इस, इसका इंतज़ार कर रहे थे कब चुनाव होता है और जो उनका आक्रोश है जो उनकी फीलिंग है उसको कैसे जाहिर करेंगे तो जैसे ही उनको मौका मिला पहला मौका मिला उन्होंने उसको जाहिर करने की कोशिश की और इससे है ये जो कले भी खुल गई भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की कि कश्मीर में 370 या 25 फाइव ए के हटाने के बाद बिल्कुल स्थिति नियंत्रण है बिल्कुल कंट्रोल में है ऐसा नहीं है ठीक है आ, सर इस बीच पीडीपी के सूत्रों ने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस एनसी गठबंधन को सपोर्ट करने को तैयार हैं हालांकि आंकड़े बताते हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन इसके बावजूद क्या कांग्रेस पीडीपी को साथ लेगी सरकार सरकारगठ देखिए अभी तो वो नौबत आई नहीं है परिणाम आने दीजिए परिणाम आने आने के बाद क्या पिक्चर बन के सामने आता है क्या तस्वीर बनती है पूरे विधानसभा की उसके बाद देखा जाएगा और हरियाणा हरियाणा का क्या फैक्टर सबसे अहम है सर हुड्डा बनाम शैलजा आखिरी आखिरी तक चलता रहा लेकिन दिख रहा है परिणामों में कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं बिल्कुल ऐसा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ इतना आक्रोश था कि वो इन चीज़ों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और फैक्ट ये है शैलजा जी ने इस बात को कई बार क्लियरफाई किया है कि भाई जो अंतिम फैसला तो केंद्र को करना है यानी हाई कमांड को करना अला कमांड को करना है तो हाईकमान जो कहेगा वो करेंगे ठीक है दोनों ही पक्ष इस मामले में सहमत है सर एग्जिट पोल के अलावा एक, एक एक आखिरी सवाल मेरा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अहम बयान है और उन्होंने कहा है हिंदू समाज को उन्होंने एक मैसेज uh, दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर सुरक्षित रहना है तो भाषा जाति और प्रांत के मतभेद और विवादों को खत्म करके एकजुट होना होगा uh, इस पर आप क्या देखिए ऐसा है कि भागवत जी को इस बात को जानना चाहिए कि हमारे देश में एक संघीय ढांचा है और हम हमेशा ये कहते हैं कि विभिन्नता में एकता तो इस तरह का नारा देना मैं सोचता हूँ उचित नहीं है कि सब अलग अलग धर्मों से लोगों का संबंध है अलग अलग भाषा अलग अलग संस्कृति संस्कार सब प्रदेश का अगर आप देखें और उसको एक साथ लेकर चलना वो हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बनाया उसमें उन उन तमाम बातों का ध्यान रखा है और भगवत जी को अगर उस संविधान में विश्वास है तो संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे संघ परिवार चलेगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई टकराव हो एक सवाल चूंकि सर आप बिहार से हैं तो ये जो एग्ज़िट पोल के मुताबिक अगर नतीजे आए क्या कुछ फ़र्क आप देख रहे हैं बिहार की सियासत में क्योंकि आर ने ये दावा किया है कि आठ तारीख को परिणाम के बाद नीतीश कुमार छोड़ने वाले हैं एनडीए और बिहार में भी बदलाव की संभावना है केंद्र में भी बदलाव की संभावना है इस पर आप हमें क्या बताए देखिए अभी तो कुछ कहना मुश्किल है आ, लेकिन इसका असर तो पूरे देश में पड़ेगा ये अभी दो राज्यों का चुनाव है उसके बाद फिर दो राज्यों का चुनाव होगा तो जो आ, आने वाले मेरा ख्याल है कई वर्षों तक आ, जो राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं और जो उनके परिणाम आएंगे उसका असर पड़ेगा राजनीतिक असर प्रभाव पड़ेगा और बिहार में भी पड़ेगा आने वाले लेकिन नीतीश कुमार जी कहाँ जाएंगे कहाँ आएंगे अभी उनका ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है मुश्किल लेकिन आपको उम्मीद है कि नीतीश जी पर भी प्रभाव पड़ेगा नतीजों का सब पर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन पर भी पड़ेगा क्योंकि वो भी बहुत मायूस है भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है उससे जो है भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता वो नाराज़ है क्योंकि बाहर से लोगों को लाकर टिकट दिया गया या उनको प्राथमिकता दी गई और जो उनके अपने कार्यकर्ता थे उनको नजरअंदाज किया गया शुक्रिया तारिक साहब बात करने के लिए कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जयनेन्द्र एबीपी न्यूज दिल्ली वट डज हरियाणा यूथ वॉन्ट वट द पोलिटिकल मूड ऑफ द रीजन विल दीज असेंबली इलेक्शन Correspond to Lok Sabha election results. सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी. Ram Ram. Who will have the last laugh? will it be Nayap singh seni of bjp or Bhupinder singh huda from congress? we'll turn the tables this time. get to know the ground reality of the haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform only on abp live election centre sahi information her election.